हाय दोस्तों, मैं कैप्टन भावी स्वागत करता हूँ आप सबके अपने चैनल द स्ट्रगलर पर। आज हम बात करेंगे अगर आपको एक्टर बनना है तो आपके अंदर वो कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिससे आप एक बेहतरीन और बेमिसाल एक्टर बन सकते हैं, जिसे कह सकते हैं आप एक सुपरस्टार एक्टर बन सकते हो। बहुत कुछ खास नहीं, नॉर्मल सी चीज़ होनी चाहिए, बट उस चीज़ के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि वो कौन सी चीज़ है और हमें उसको कब यूज़ करना है सही टाइम पे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है टैलेंट। हर एक इंसान को ये पता होता है कि उसके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है कि नहीं। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, जैसे मेरे भाई है, उसको एक्टिंग का टैलेंट बहुत है, मतलब इंटरेस्ट बहुत है, बट वो एक्टिंग कर नहीं पाता, ओवर एक्टिंग कर देता है। सेम वही, अगर आप चाहते हो एक्टर बनना तो आपको ये पता होगा कि हाँ मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, आपके अंदर वो इंटरेस्ट आएगा। बस देख के जोश जोश में वो करने वाली चीज़ नहीं है, आपके अंदर अगर सच्ची में इंटरेस्ट है तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि हाँ मैं एक एक्टर बन सकता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, आपको अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि हाँ मैं एक एक्टर हूँ या मैं एक एक्टर बन सकता हूँ। ओके, ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हो तो ज़रूर आप सेकेंड ऑप्शन ले कर चलो एक्टिंग फील्ड में। एकदम आंख बंद करके एक्टर बनने ना निकल जाओ। अगर एकदम आंख बंद करके एक्टर निकलना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ के, लाइक NSD हुआ, FTII हुआ, BNA हुआ, इस टाइप के, या इस टाइप के किसी भी कॉलेज से पढ़ के अच्छे से मतलब उसमें महारत हासिल करके जाओ। क्योंकि अच्छे से जब 3-4 साल पढ़ो रहोगे एक्टिंग के बारे में, पूरी इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको काम आसानी से मिल जाएगा। या आपका अच्छा खासा कोई बिजनेस है आपके पेरेंट्स का, जिसमें अगर आप एक्टिंग में नहीं सफल हुए तो आप जाके उनका बिजनेस कैरी ऑन कर लोगे, बिजनेस संभाल सकते हो उनकी पूरी, तो फिर आप एक बार एक्टिंग का सोच सकते हो। बट अगर आपके पास ये सब ऑप्शन नहीं है तो आप अपना ज़रूर सेकेंड ऑप्शन लेके चलो। ऐसा ना हो कि एक्टर बनने निकले और कुछ ना बन पाओ, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन है। मैं दोनों चीज़ इसीलिए बार बार आप लोग को बताता हूँ कि अगर अपने आप लोग सोच रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर सोचो। तीसरी चीज़ है बेसिक एक्टिंग नॉलेज। अगर आपके पास बेसिक एक्टिंग नॉलेज नहीं है तो पहले उसको कलेक्ट करो, फिर आप ऑडिशन या आप एक्टिंग करने के लिए आगे आओ। क्योंकि जब आपके पास कोई चीज़ ही नहीं है, जब आप उसके बारे में आपको पता ही नहीं है, तो आप कैसे वो चीज़ कर सकते हो। जैसे कि अगर आप डॉक्टरी कर रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की हो तो आप कैसे डॉक्टर बन सकते हो। एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट आप डॉक्टर को जाके असिस्ट तो करो, कहीं उनके यहाँ कंपाउंडर की जॉब तो करो, तब जाके धीरे धीरे आप कहीं कोने गाँव में जाके एक छोटे से डॉक्टर बन सकते हो। बट वही चीज़ होता है, जब तक आपको बेसिक एक्टिंग की नॉलेज नहीं है तब तक आप एक्टिंग भी नहीं कर सकते हो। इससे रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में आप लोग से एक क्वेश्चन भी पूछा था कि आप लोग का वो सोर्स क्या है जहाँ से आप एक्टिंग सीखते हो, तो बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे हम यूट्यूब से एक्टिंग सीखते हैं, हम वर्कशॉप्स करते हैं, बट उस पर पैसे लगते हैं बहुत सारे। अगर वर्कशॉप लेते हैं तो वहाँ बहुत सारे अमाउंट चार्ज किया जाता है एक वर्कशॉप का, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 वीक की वर्कशॉप होती है और बहुत सारे वहाँ पे पैसे चार्ज किए जाते हैं वर्कशॉप के। इस तरीके के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, आप लोग ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो इसी का मैं सोल्यूशन भी आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग एक्टिंग कहाँ से सीखो और कैसे सीखो। बट अगर आप लोग और कमेंट करो कि कहाँ से आप और एक्टिंग सीख सकते हो, वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप जाके एक्टिंग सीख सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स खुला हुआ है तो ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक, तो ये तीन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपके अंदर ये होना ही चाहिए। और फोर्थ पॉइंट मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट रहता है कि हम मुंबई ही जाके एक्टिंग कर सकते हैं। अब ऐसा चलन बिल्कुल नहीं है। वो एक टाइम था जब लोग घर से भाग के मुंबई जाते थे सिर्फ शूटिंग करने या काम करने, मूवी में काम करने, बट अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मूवीज़ में बहुत कम शूटिंग हो रही है, जितनी शूटिंग होती है वो अब नॉर्मल छोटे शहर, छोटे कस्बों में ही होती है। लखनऊ मेरे घर के बगल है, इतनी शूटिंग होती है लखनऊ में कि पूछो मत। मतलब तमाम मूवीज़ की शूटिंग आपको लखनऊ में ही मिलेगी। कानपुर, बिहार, झारखंड, यहाँ पे इतनी मूवी की शूटिंग हो रही है, बनारस हो रही है, आप MP चले जाओ, पंजाब चले जाओ, हर जगह शूट हो रही है। और अब का ये टाइम आ गया है कि मुंबई से एक्टर नहीं आते हैं। जिस एरिया में अगर शूट हो रहा है, लखनऊ में शूट हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में एक कास्टिंग डायरेक्टर आएगा और उत्तर प्रदेश के पूरे एक्टर्स को अरेंज करता है। जितने भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स की ज़रूरत होती है वो यहीं के एक्टर्स होते हैं, रियल एक्टर्स होते हैं, उनके लिए मुंबई से वो लोग नहीं आते। तो अब ये भूल जाओ, आप लोग जहाँ पे हो बस वहीं से ऑनलाइन ऑडिशन बना के शेयर करो, काम आपको घर बैठे ही मिलेगा, मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है।
ये फोर्थ पॉइंट था। अगर फिफ्थ पॉइंट भी मैं इसी से रिलेट कर सकता हूँ कि जैसे बहुत लोग होते हैं कॉलेजेस में हैं, बहुत लोग अभी स्कूल में हैं, बहुत सारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट एक्टिंग में है, और बहुत सारे जो आप ग्रेजुएशन पास आउट कर लिए हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग भी, उनका भी इंटरेस्ट है एक्टिंग में, बट घर की परिस्थितियां हो सकती हैं या कह सकते हो जिम्मेदारी कह सकते हो, उस वजहों से वो एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं। बट अब ये ऑप्शन आ गया है कि आप घर बैठे ऑडिशन दे सकते हो, मस्त आप लोग अपना सुबह से शाम तक ऑफिस करो, बच्चे अपना स्कूल करो, लड़के अपना कॉलेजेस करो, ओके, शाम को 4 बजे देखो ऑडिशन कौन कौन से आए। मेरे ये चैनल पे आप लोग को अपडेट मिलती रहती है हर मंडे को ऑडिशन अपडेट। देखो आज ये ऑप्शन आया, अगर आपका रिक्वायरमेंट मैच कर रहा है तो मस्त अपना एक ऑडिशन वीडियो बनाओ, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जितनी देर में याद करो 1 मिनट का वीडियो बनाओ, शेयर कर दो, अगर चांस मिल गया तो मस्त चले जाओ अपना ऑडिशन देने और सॉरी शूट करने, ठीक, 4 दिन 5 दिन 10 दिन का शूट करो, बच्चे हैं तो उनके लिए अच्छी बात है, स्कूल बंक मिल जाएगा, स्कूल से छुट्टी रहेगी, कॉलेज रहेगा, अगर लड़के वो अपने आप चले जाएंगे, हाँ जॉब वालों में थोड़ी दिक्कत होगी, उनको लीव लेना पड़ेगा, बट अगर 4-5 दिन की लीव है अगर अपने शौक के लिए तो वो जरूर ले सकते हैं। हाँ अगर आप थोड़ा देख लो कि अगर आप धीरे धीरे अगर 10 से 15 दिन का काम मिला है तो आप लीव ले लो। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी अजय पांडे, अजय सिंह भैया के साथ, जिसके साथ मैं अमेजोन का शूट करने गया था, वो भी सेम था, उनका क्या था कि वो पहले जॉब करते थे और जॉब के साथ शूट करते थे। जब उनको रेड मूवी मिली, रेड मूवी में उनके अच्छा खासा 1 महीने का शूट था, तब उन्होंने जाके अपनी जॉब को क्विट किया। तो इसीलिए कह रहा हूँ उसके बाद सिर्फ वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर दी, प्रॉपर एक्टिंग करते हैं, उससे पहले वो दोनों को साथ लेके चलते थे। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप लोग टेंशन बिल्कुल ना लो, आप लोग अपना काम करते रहो, अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट के साथ आप एक्टिंग कर सकते हो। ओके सर, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी बहुत सारी मैटर करते हैं कि लोग कहते हैं कि यार मैं लंबा हूँ कि मैं एक्टर बन सकता हूँ कि नहीं, मैं छोटा हूँ मैं बन सकता हूँ कि नहीं, मेरी हाइट, मेरा रंग, मेरा स्किन कलर, मेरा बाल का कलर, हेयर कलर, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने अपने शेयर करते हैं बच्चे, कमेंट बॉक्स में भी शेयर करते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अब तो ये सब खत्म हो गया, जब से बॉलीवुड को समझा गया ना कि यार वहां पे नॉर्मल फेसेस चलते हैं ना, तब से ये सब कुछ खत्म हो गया। आप बस अपना ऑडिशन बनाओ, जिस लुक में हो, जिस हाइट में हो, जैसे दिखते हो उस हिसाब से अपनी प्रोफाइल शेयर करो। अगर आपके लुक के लाइक कोई रिक्वायरमेंट रहेगी तो जरूर आपको अप्रोच किया जाएगा, जरूर आपको काम मिलेगा। तो इसलिए विदाउट एनी टेंशन आप लोग ये मत सोचो कि मेरे को, मेरी हाइट छोटी है तो मेरे को काम नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। ओके गाइस, और नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। ओके, लोग कहते हैं कि एक्टिंग के लिए एजुकेशन जरूरी नहीं है, मेरे को बिल्कुल गलत लगता है, आप लोग एजुकेशन जरूर कंप्लीट करके आओ। जैसे जो बच्चे हैं, जो छोटे चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए क्या होता है, उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, बट अब देखो जितने भी बच्चे चाइल्ड आर्टिस्ट हैं उनके पेरेंट्स उनको पहले उनकी ग्रेजुएशन या उनकी ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट करवाते हैं, करवाते हैं पढ़ाई पूरी करवाते हैं। ओके, तो अगर आप अदर स्टेट से हो, अगर मुंबई में हो तो जाके दे सकते हो, बट अगर आप किसी अदर स्टेट से तो ऑनलाइन ऑडिशन बना के भेजते रहो, बट अपनी पढ़ाई पूरी करो पहले, तो अपनी जो नॉर्मल एजुकेशन है वो पूरी करो, उसके बाद अगर आप एक्टिंग करना चाहते हो तो एक्टिंग में भी ग्रेजुएशन करो, NSD से करो या FTI से करो, कहीं से भी करो, अगर आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हो। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ NSD FTI क्रैक करने का, जिस साल हो गया उस साल मैं निकल जाऊँगा FTI करने। ओके गाइस, तो ये ज़रूरी है कि आप लोग पहले तैयारी करो, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना, ठीक। ना हो थिएटर ये सब नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट पहले पूरी कंप्लीट करना पढ़ाई, उसके बाद ही एक्टिंग के लिए प्रॉपर आना। ओके, इससे ये नहीं होगा कि आप लोग भटकोगे नहीं, दिमाग से काम करना। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। बहुत लोग कहते हैं एज रिक्वायरमेंट, यार मैं किस एज में एक्टिंग करने जाऊं, यार एक एक्टिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बचपन से लेके बुढ़ापे तक एक्टिंग कर सकते हो, बच्चे का रोल, बच्चे के थोड़े से बड़े का रोल, फिर टीन एज की रोल आ जाएगा, फिर एक 25 से 30 के बीच का रोल आता है, फिर 35 से 40 मम्मी पापा का रोल आता है, फिर दादा दादी का रोल आता है, चाचा चाची का रोल आता है, बहुत सारे रोल हैं यार, किसी हर एज में, हर मूवी में इन सब की चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए एज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एक्टिंग के लिए, अगर आप जिस भी एज में ये वीडियो देख रहे हो वो एज परफेक्ट है एक्टिंग करने के लिए। तो मेरे ख्याल से इतने ही पॉइंट मुझे लगे आप लोग से शेयर करने का चाहिए, जिससे आप लोग मोटिवेट हो कि आप एक एक्टर बन सकते हो, बट थोड़ा प्रॉपर तरीके से प्लान के साथ जाना, सेकंड ऑप्शन लेना, मेरी मानो तो सेकंड ऑप्शन लेके जाना, बहुत लोग कहते हैं सेकंड ऑप्शन ना लेना, मैं कह रहूँगा सेकंड ऑप्शन लेके चलना भाई। ओके, सबकी अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होता, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, और मेहनत करते रहो तो काम ज़रूर मिलेगा, ये बात है।
अगर आप मेहनत करना छोड़ दोगे, वीडियो देख के सिर्फ नेक्स्ट वीडियो पे स्लाइड कर जाओगे तो बहुत मुश्किल है। आपने अगर ये वीडियो देखी उसके बाद आपके अंदर जोश आया, आप जाओ एक मोनोलॉग की प्रैक्टिस करो, पहले एक मोनोलॉग का वीडियो बनाओ, उसको किसी कास्टिंग डायरेक्टर को शेयर करो, फिर आके कोई दूसरी वीडियो देखो, एंजॉय करो, कोई और सीरियल देखो उससे। फिर ये रहता है कि आप अपने काम तो कम से कम कर लियो, अपना प्रोजेक्ट के लिए काम तो किया, अपने ऑडिशन के लिए काम तो किया ना, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये करो, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट तो जरूर करना, और कहाँ से एक्टिंग सीख रहे हो उसका जरूर मुझे इन्फॉर्मेशन देना कि कहाँ कहाँ से आप लोग और एक्टिंग सीखते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।